हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ 120 बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आपके लिए। एंड सेट बी का अभ्यास 10 है ये, एंड इसी तरह के 16 से 17 सेट है जिसमें प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। और दोस्तों, ये 6 से 7 हजार क्वेश्चन का सीरीज है जो डेली बेसिस में आपको करवा रही हूँ प्रैक्टिस। जितना भी आपने अभी तक नोट्स और थ्योरी सेशन पढ़ा हुआ है, अपना डेली बेसिस पे अपना स्कोर चेक कीजिए और जो भी गलतियां होंगी उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेट हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस हो, तो सभी के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन, फ्री अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन, सभी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर की सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और अपना आप स्कोर चेक कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों डेली बेसिस पर, आप मेरे साथ बने रहिए, आपका 100% सक्सेस मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। और दोस्तों, यदि पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अब पूछेगा कि मिक्स ग्लैंड कौन है, तो मिश्रित ग्रंथ है आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। और जब पूछेगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो वह रहेगा त्वचा। इन सभी बातों में डिफरेंट समझिएगा। टूर्नामेंट कितनी प्रकार की होती है? तो टूर्नामेंट 4 प्रकार की होती है, नॉकआउट लीग यानी कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन, चैलेंज टूर्नामेंट। इन चारों के बारे में दोस्तों मैंने डिटेल में बताया हुआ है, एक बार एक चारों टूर्नामेंट के बारे में आप देख लेंगे मेरा वीडियो, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, किसी और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, YMCA कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो दोस्तों, YMCA कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे H.C. बक। इन्होंने YMCA की स्थापना 1920 में मद्रास चेन्नई में किया था। और H.C. बक यानी हेनरी को बक को भारत में शायद शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेशनल अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। यहां पे आप देख सकते हैं, इसका डिटेल लिखा हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार के संबंध में 31 जनवरी 2014 के संशोधित नियम के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसने पिछले 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी प्रदर्शन, खेल भावना, नेतृत्व तथा अनुशासन का गुण दिखाया हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत ओलंपिक, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप तथा अन्य समकक्ष अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में आते हैं, तो इतना योगदान करने वाले को दिया जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1961 में हुआ है। नेशनल, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, तो 5000 से 11000 होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6000 से 10000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में। नेक्स्ट है, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। ठीक है, ये आपका परिभाषा है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कुश्ती से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कुश्ती संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? यहाँ पे आपका कैनवास सूज है, पैलेस्ट्रा है, मैट है, बट हॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो आप सबको पता है 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 छल्ले होते हैं। और सभी का रंग कैसा होता है? नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला रंग जो होता है वो यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है,
हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। ये पांचों छल्ले पांच महाद्वीप के प्रतीक है जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। इसको मान्यता मिली 1924 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम फास्फोरस आवश्यक होता है। यहाँ पे कैल्शियम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो आप सबको पता है, सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता, इंडिविजुअल हाइजीन किसमें सहायता करती है? यह आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण में वैचारिक स्थावित्व प्रदान करता है। तो उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्य संवेदी अंग कौन कौन से हैं? यानी सेंसरी ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है? हमारा नेत्र है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है। ये पांच होते हैं आपके ज्ञान इंद्रियां यानी कि सेंसरी ऑर्गन। इसमें से आपका कौन सा आसन सही हो जाएगा? आसन नंबर सी, नेत्र, कान, नाक व त्वचा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत जंप बॉल से होती है। जैसा कि यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि बास्केटबॉल का मैच जंप बॉल से शुरू होता है, और नए नियम के अनुसार अन्य क्वार्टर व कॉमन फॉल में मैच थ्रो इन से शुरू होता है। ठीक है, जब पहला बार शुरुआत होगा तो जंप बॉल से, उसके बाद जब क्वार्टर व कॉमन फॉल होगा तो उसमें थ्रो इन से शुरू होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वंशानुगत व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया है बी एन झा ने। नेक्स्ट दोस्तों, भोजन के मुख्य कार्य हैं, आसन है नई कोशिकाओं का बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो दोस्तों, यह भोजन का मुख्य कार्य है, आसन नंबर यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। भोजन जो है थ्री पार्ट में कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला है शरीर को ऊर्जा देने वाले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा आता है। दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले, जिसमें प्रोटीन आता है। तीसरा है रोगों से रक्षा करने वाले, तो वो होता है विटामिन एंड खनिज लवण। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है सबसे मुख्य स्रोत है विटामिन डी का सूर्य की रोशनी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, स्ट्रेन क्या है? इसका आपने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि हरे बहुत सारे वीडियो मैंने इसके बारे में बताया है, स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में। इसमें बहुत सारा फंसते हैं, इसलिए मैंने बहुत बार इसका डिटेल में वर्णन किया है। मैंने बताया है कि स्ट्रेन और स्प्रेन, स्ट्रेन को स्ट्रेन न कह के आप बोलिए स्ट्रेनम। ठीक, स्ट्रेनम से मतलब हो जाएगा स्ट्रेन मसे मांसपेशी व टेंडन का चोट। ठीक, स्प्रेन जो होता है स्प्रेनली बोलिए उसको, स्प्रेन ली से लिगामेंट का चोट। ठीक है, तो स्ट्रेनम यानी कि मांसपेशियों का फटना या खिंचाव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेंडन होता है वो रेखित पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जो लिगामेंट होता है वो दो हड्डियों को बीच में जोड़ों पर जोड़ता है। तो लिगामेंट के चोट को हम कहते हैं मोच यानी स्प्रेन, और पेशियों या टेंडन के चोट को हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है कौन? तो कौन करता है? इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा ही हम पता पाते हैं कि इसका परफॉर्मेंस या जो योग्यता है कहाँ तक सुधार हुआ है, अब कितना तक सुधार उसको करना जरूरी है, इस सभी चीजें पता चलती है मूल्यांकन यानी इवेल्यूशन से। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है? तो बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता है, आप सबको पता है कि बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है? तो जेम्स निस्मिथ। ठीक है, जेम्स निस्मिथ बास्केटबॉल के जन्मदाता है। जेम्स निस्मिथ 1891 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बास्केटबॉल को जन्म दिया। ठीक है, बास्केटबॉल का जन्मदाता बोला जाता है आपको
जेम्स निस्मिथ को। कब किया इन्होंने इसका खोज? 1891 में। कहाँ पे किया? अमेरिका में। कहा किस कॉलेज में? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। इतने सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? जैसा कि आप सबको पता है बास्केटबॉल कोर्ट की माप 28x15 होती है, 15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता बोला जाता है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है रक्त वर्ग ओ को, ठीक है। एंड सर्वग्राही जो है ए भी होता है, जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। एंड उसके अलावा ए ए को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, घर से बाहर तंबू अथवा झोपड़ियों में रहने वाले को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसको सिविल। नेक्स्ट, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन है? तो जैसे कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट वसा है या आपको ऊर्जा देता है, ठीक है। तो रोगों से प्रदान जो आपका प्रोटीन होता है वो शरीर का निर्माण करता है कोशिका ऊतकों का। एंड जो रोगों से रक्षा करने वाला, रोगों से सुरक्षा करने वाला पोषक तत्व है वो है विटामिन एंड खनिज लवण। नेक्स्ट दोस्तों, सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो सीखना जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो आपको पता है फीमर जो है हमारे शरीर में सबसे लंबी और भारी अस्थि है, हमारे जांघ की हड्डी। और यहाँ पे पूछेगा कि सबसे छोटी अस्थि कौन है? तो स्टेपीज कौन की सबसे छोटी अस्थि है। और पूछेगा कि सबसे मजबूत अस्थि कौन है? तो हमारे निचले जबड़े की अस्थि, जिसे मैंडिबल बोलते हैं, वो सबसे मजबूत अस्थि है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन है? तो दांत का इनेमल है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो बट यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, लेकिन इजिप्ट होता है आपका 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसे सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको कोच या गुरु को दिया जाता है। यहाँ प्रोफेसर कर्ण सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट, सीटीएस का क्या अर्थ है? तो सीटीएस ओलंपिक मोटो की रचना हेनरी डिडान ने किया है, जिसमें आपका सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस तीन शब्द को उन्होंने चुना था। सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, यानी इसका अर्थ होता है और तेज और ऊंचा और बलशाली। तो यहाँ पे आपका सीटीएस का अर्थ हो जाएगा अधिक तेज दौड़ना। इसके अलावा चौथा शब्द अब जुड़ गया है कम्युनेटर, इसका अर्थ होता है और अधिक एक साथ चलना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक साथ चलना। नेक्स्ट है, स्प्रेन और स्ट्रेन का प्राथमिक इलाज किस विधि से किया जाता है? तो RICE पद्धति से किया जाता है। R मतलब होता है रेस्ट देना उसको, I से आइस यानी बर्फ का प्रयोग करना, C से कंप्रेशन यानी कि उसको दबाना, E से इलेवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से उठाना। नेक्स्ट, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद, भाला फेंक, पोल वॉल्ट, एक फील्ड इवेंट है। यहाँ पे आपका मैराथन जो है वो ट्रैक प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, त्वचा व म्यूकस झिल्ली पर स्क्रेप यानी रगड़ लग जाना क्या कहलाता है? दोस्तों तो उसको कहते हैं एब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्यूजन क्या है? जब एकाएक बहुत अचानक से चोट लगता है और रक्त जम जाता है, नीला पड़ जाता है, तो उसको कॉन्ट्यूजन कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेनम यानी कि मांसपेशी टेंडन का चोट खिंचाव हो जाना स्ट्रेन कहलाता है। बर्साइटिस क्या होता है? कि जो का चोट है वहां पे चोट लग जाने पर इसमें खिंचाव आ जाना, यहाँ पे बर्साइटिस होता है। नेक्स्ट, खो खो मैदान की माप क्या होती है? नए नियम के अनुसार खो खो मैदान की माप 27x16 मीटर होती है। यहाँ पे इसका कुछ डिटेल दिया हुआ है कि नए नियम के अनुसार खो खो मैदान की माप 27x16 मीटर होती है, जिसे फ्री जोन जो है वह 1.50 मीटर चौड़ा एंड खंभे से पहला सीटिंग ब्लॉक जो होता है 2.55 मीटर की दूरी पर तथा अन्य सीटिंग ब्लॉकों के मध्य की जो आपस में दूरी होती है 2.30 मीटर तथा सीटिंग ब्लॉकों की चौड़ाई जो होती है 35 सेंटीमीटर यानी 0.35 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है?
तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है सर्वांगीण, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। यदि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी रूप से विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभ्यास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों, जो ध्यानदायक ने तीन सीखने के मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, जिसमें से अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति की विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोगों को खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो यह मनोरंजन यानी कि रिक्रिएशन कहलाता है। नेक्स्ट, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों, तो यहाँ पे जब दो समान तत्व मिलेंगे तभी सीखने का स्थानांतरण होता है। जैसे कि आप टेनिस खेलने का जो स्किल है उसको बैडमिंटन सीखने में आप कर सकते हैं, तो समान तत्व, सिमिलर चीजें मिलेंगी तभी। यहाँ पे समान तत्वों का सिद्धांत आपका सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत है। नेक्स्ट, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना, उन्हें प्रोत्साहन करना क्या कहलाता है? तो वह लीडरशिप यानी नेतृत्व कहलाता है। नेक्स्ट, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? तो आप सबको पता है 32 होती है। नेक्स्ट, एनएसएनआईएस का पूरा नाम क्या है? तो एनएसएनआईएस का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 7 मई 1961 पटियाला के मोती बाग पैलेस में हुआ था। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा 1 ग्राम में प्रदान करता है वसा, यानी कि 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बट यहाँ पे सबसे जल्दी ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी ऑफ सोर्स आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए 60 से 65% भाग हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, 20 से 25% भाग यूज करते हैं वसा का, और 10 से 15% भाग यूज करते हैं प्रोटीन का। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, एंड आप जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी सी और एच। नेक्स्ट है, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अनुकूलित सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया था। इनका कहना है, सीखने से संबंधित इनकी परिभाषा है, जो सीखना है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वातावरण का अर्थ है, वातावरण का अर्थ है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हमको घेरे हुए है वही हमारा वातावरण है। नेक्स्ट, लीग प्रतियोगिताओं को कहते हैं? तो दोस्तों, लीग प्रतियोगिताओं को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। यह सिंगल लीग और डबल लीग दो प्रकार का होता है। लीग टूर्नामेंट में फिक्स्चर डालने की 3 विधियां होती हैं, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयर केस मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि जो लीग टूर्नामेंट की सिंगल लीग होती है उसमें मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-1/2, एंड डबल लीग में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n n-1। ठीक है, n n-1। ठीक है, सिंगल लीग में n n-1/2 और डबल लीग में n n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? तो आप सबको पता है जनसंपर्क का माध्यम है। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा मुरल। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा मुरल। और इंट्रा मुरल क्या होता है?
जो संस्थानों के चार दीवारी के अंदर ही खिलाड़ियों के मध्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसको इंट्रामुरल कहते हैं। और एक संस्थान से बाहर यानी कि एक संस्थान से दूसरे संस्थान के मध्य जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रामुरल। नेक्स्ट है वॉलीबॉल के मैदान की माप क्या होती है, तो वॉलीबॉल के मैदान की माप होती है 18x9 मीटर। नेक्स्ट है व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन है इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, करेक्ट है। जब आप व्यायाम करेंगे डेली बेसिस पे तो आपकी इच्छा शक्ति आपकी एकाग्रता अच्छी होती है, स्टेमिना बढ़ जाती है एंड श्वसन क्रिया की दर कमी होती है। तो दोस्तों जितना ही आप अभ्यास करेंगे डेली बेसिस पे आपकी जो श्वसन दर होगा वह कम होगी। और सहन शक्ति में वृद्धि होगी, तो यहां पे आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है, यहाँ पे हड्डी का टूटना, दिल का दौरा, कैंसर, ये संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग है आपका वायरल बुखार, ठीक है, वायरल बुखार। नेक्स्ट है बेरीबेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट संक्रामक रोग हुआ है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है, उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। नेक्स्ट कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो कोहनी और घुटने में हिंज संधि पाई जाती है जिसे कब्जा संधि भी बोलते हैं, जो एक ही तरफ जैसे जिस प्रकार दरवाजा एक ही तरफ खुलता है उसी प्रकार यह एक ही तरफ मुड़ सकता है, जैसे हमारे कोहनी का यानी एल्बो ज्वाइंट एंड घुटने का नी ज्वाइंट एंड हमारा उंगलियों का जोड़ और जबड़े का ज्वाइंट, ये होता है आपका हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपका लौह तत्व की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और ऑक्सीजन के माध्यम से ही हमारा जो भोजन खाद ग्रहण करते हैं वो पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के द्वारा, वायवीय श्वसन के द्वारा माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, आप सबको पता है। किसी संस्थान की चार दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है, तो चार दीवारी के अंदर किसी संस्थान के चार दीवारी के अंदर जो होता है प्रतियोगिता उसे हम कहते हैं इंट्रामुरल। क्या कहते हैं? इंट्रामुरल। वहीं पे आप कहता कि एक संस्थान से दूसरे संस्थान यानी विभिन्न संस्थानों के मध्य जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसको एक्स्ट्रामुरल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार मिनिमम धड़कता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 72 से 75 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे बालक बालिकाओं में हम भिन्नता केवल लिंग भेद पर कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई मोटाई विकास बुद्धि दिमाग पे नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बास्केटबॉल खेल की बॉल का भार कितना होता है, तो बास्केटबॉल खेल में बॉल का भार जो होता है 567 से 650 ग्राम होता है। नेक्स्ट शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, तो जो हमारा भोजन है मुख्य रूप से कार्य के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा आता है, और शरीर का निर्माण करने वाले जिसमें प्रोटीन आता है, रोगों से रक्षा करने वाला जिसमें विटामिन एंड खनिज लवण आता है। तो शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन में। नेक्स्ट लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है, तो दोस्तों लंबी अस्थियां जो होती है हमारे शरीर में उत्तोलक की तरह कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं, तो नए नियम के अनुसार क्रिकेट खेल में 4 अंपायर होते हैं, 2 आपके फील्ड में होते हैं, 1 आपका TV स्क्रीन भी होता है, 1 रिजर्व अंपायर होता है, ठीक है। ICC के नियम 3.18 के अनुसार 4 अंपायर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एड्स नहीं फैलता है, यौन प्रेशर से, रक्त प्रेशर से, मां से शिशु में प्रेशर से, इन तीनों चीजों से ही बस एड्स फैलता ही है, इसके अलावा कोई कारण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्ति
ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से, ये आपका भ्रम है, ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, वल्ली तीन प्रकार तीन कारणों से ही फैलता है। नेक्स्ट है पारिवारिक मनोरंजन है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रखने के लिए आयोजन किया जाता है, उसे कहते हैं पारिवारिक मनोरंजन। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां यानी कि रिब्स पाई जाती हैं। दोस्तों जो हमारा बीच में मोटी हड्डी होता है स्टर्नम, उससे दोनों तरफ 12 जोड़ी जो होती है वह 12 पसलियां जुड़ी होती है। यहाँ पे जोड़ी में पूछा है, तो जोड़ी में पूछा है तो कितना हो जाएगा, कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ी। अब कुल कितनी पाई जाती है, अगर ऐसा पूछेगा तो 24 हो जाएगा, 12 × 24, ठीक है। नेशा अनुशासन ईमानदारी आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण है दोस्तों, तो यह एक नेता यानी कि लीडर का गुण है। नेशा हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है दोस्तों, तो हृदय की मांसपेशियां जो है अनैच्छिक होती हैं, जो हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। जीवन प्रयत्न जब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक हृदय धड़कता है तब तक आप जीवित रहते हैं, जब दिन धड़कना बंद होता है आपकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, तो दोस्तों भोजन की ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, किसमें मापते हैं, कैलोरी में। नेक्स्ट है दोस्तों लैंगर है इसकी दीपिकाओं से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है, तो लैंगर है इसकी दीपिकाओं से आपका इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टेटिन आदि स्त्रावित होता है, तो उसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ कोशिकाएं होती है, जिसमें से अल्फा कोशिकाएं से ग्लूकागन स्त्रावित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो यहाँ पे आपका इंसुलिन करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे दिया है पेप्सिन, पेप्टोन, रेनिन, तो पेप्सिन और रेनिन जो है अमाशय से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, और पेप्टोन जो है आपका अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लीहा यानी स्प्लीन जो है वो ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, यानी रक्त जाकर के कहाँ पर मरता है, प्लीहा यानी स्प्लीन में। रक्त का जन्म कहाँ पर होता है, कहाँ पे बनता है, तो बोन मैरो में, अस्थियों के जो खोखले भाग, लंबी अस्थियों के खोखले भाग होते हैं उसमें बोन मैरो होता है, उसी में आपका रक्त का निर्माण होता है। और जाके मरता कहाँ पे है, जाके मरता है आपका प्लीहा यानी स्प्लीन में, इसलिए प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। नेशा चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है, तो वहां पे आपका प्लेटलेट्स करता है, इसको हम बिंबाणु भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ रक्त बिंबाणु होगा, विषाणु नहीं होगा, तो आप यहाँ पे करेक्ट समझिएगा। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि रक्त को जब जमने की बात कहे, तो अगर रक्त कणिका में बात कहे तो रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स को वैज्ञानिक भाषा में हम वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। और जब प्रोटीन है, रक्त प्रोटीन की बात करेगा, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त जमाने में कार्य सहायता करता है, जिसका निर्माण हमारे यकृत यानी लीवर में होता है और हमारे रक्त में पाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन पाया जाता है आपका रक्त में, रक्त प्लाज्मा में। और जब तत्वों की बात करें, खनिज में बात करें, तो आपका कैल्शियम जो है रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन की बात करें, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हर आधार को आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग है, तो दोस्तों ये सभी संक्रामक रोग है किससे फैलने वाले, वायु द्वारा, और ये सब वायु के साथ साथ बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सारी शिक्षा, शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियां से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, यह परिभाषा किसने दी है, तो इस परिभाषा को दिया है जेबी नेस ने। ये बड़ी पॉपुलर आपका डिफिनेशन है, बार बार ये पूछा जाता है जेबी नेस का परिभाषा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एड्स फैलता है तो यह वायरस द्वारा, एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट शैक्षिक व्यायाम है, यहाँ पे ऑप्शन है योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, ये सभी आपके शैक्षिक व्यायाम
हैं। नेक्स्ट है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो 400 मीटर होती है। नेक्स्ट दोस्तों, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है। नेक्स्ट है, एनसीसी व एनएसएस जैसी शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन है? तो एनसीसी नेशनल है, सब यानी कि शासकीय एजेंसियां हैं, ठीक है। एनसीसी नेशनल कैडेट क्रॉप्स, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। एनसीसी की स्थापना 1948 में, एनएसएस की स्थापना 1969 में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, वातावरण के भेद कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुकूल व प्रतिकूल वातावरण। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने किया था? तो आप सबको पता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किया था बैरन पियर डी कुबर्टिन ने। इनको आधुनिक ओलंपिक का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने आईओसी की स्थापना किया 23 जून 1894 ईस्वी में। इसी के तहत 6 अप्रैल 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में स्टार्ट हुआ। जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्सों में ब्रेक आ जाता है? दोस्तों, हड्डियां टूटती नहीं है, ब्रेक आ जाता है यानी मुड़ जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक। ये अक्सर छोटे बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया फैलता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है हॉकी खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मेरुदंड यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डियां कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो 33 हड्डियां। जैसा कि आप जानते हैं, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं बच्चों में 33 पाए जाते हैं, वयस्कों में 26। डायरेक्ट पूछेगा बच्चे और वयस्क नहीं पूछेगा तो 33 ही होगा, अगर बच्चों में पूछेगा तो 33, वयस्कों में पूछेगा तो 26। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी कौन सा है? दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पूर्णिमा ट्रॉफी आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपका हॉकी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन है? SM अर्जुन रॉजर ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो शवासन है, जो सभी योगासन करने के अंत में किया जाता है, इसको मृत्यु आसन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, उत्तक किसको कहते हैं? दोस्तों, जैसे कि उत्तक उसको कहते हैं जो समान रचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं उत्तक यानी टिश्यू। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। समान रचना समान कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक। उत्तकों से हमारे अंग का निर्माण होता है, अंगों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 90 से 120 दिन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट दोस्तों, अर्जुन अवार्ड किस दिनांक को दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो किक शब्द आते ही आप तुरंत फुटबॉल पे जाइएगा, तो कॉर्नर किक जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, प्रेरणा कितनी प्रकार की होती है? तो दोस्तों, प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। यहाँ पे दो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले आपका वंशानुक्रम, वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर दोनों होंगे। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कंफ्यूजन वाला बात है, तो यहाँ पे आपका संतुलित भोजन ज्यादा करेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमने संतुलित भोजन को टिक किया है, मानसिक स्वास्थ्य को, संतुलित भोजन रहेगा तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोना किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है कि कबड्डी में जब एक टीम दूसरे टीम कि अंतिम खिलाड़ी को आउट कर देता है तो उसको लोना के रूप में 2 अंक मिलता है, उसे लोना कहते हैं।
हॉकी खेल खेलते खेलने की कुल समय अवधि कितनी है दोस्तों? तो कितना है हॉकी खेल में? 69 मिनट। कैसे? पहले आपका 35-35 मिनट के दो हाफ होता था, बीच में 5 मिनट का मध्यांतर होता था, बट नए नियम के अनुसार 2015 के नियम के अनुसार हॉकी मैच 15 मिनट के 4 क्वार्टर्स में उच्च अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2-2 मिनट क्वार्टर ब्रेक का समय है और 5 मिनट आपका मध्यांतर का समय है। कुल मिलाकर के 15 चौका 60 और 5 65 66 67 69 यानी कि 69 मिनट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? यहाँ पे नाक, हृदय, कंठ, फेफड़े सभी है, लेकिन मुख्य श्वसन अंग पूछा है तो फेफड़ा आपका मुख्य श्वसन अंग हो जाएगा। हृदय आपका ब्लड सर्कुलेशन का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है टेनिस सर्व किस खेल में रिलेटेड है दोस्तों? ओवर हैंड, अंडर हैंड, टेनिस सर्व, फ्लोटिंग सर्व, ये सभी आपके हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनमें से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? तो यहाँ पे भाला फेंक, चक्का फेंक एक थ्रोइंग इवेंट है, 100 मीटर आपका स्प्रिंट रेस है, यहाँ पे लंबी कूद आपका थ्रोइंग इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आप सबको पता है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, तो उसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि पल्मोनरी धमनी। यह पल्मोनरी धमनी जो है दाएं निलय से लेकर अशुद्ध रक्त को जाती है फेफड़ों में, वहां से ऑक्सीजन लेकर रक्त शुद्ध हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो वहां से रक्त शुद्ध होकर के पल्मोनरी शिराओं से होकर के बाएं अलिंद में जाता है और बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी से होता हुआ समस्त शरीर को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। दोस्तों वर्तमान में इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसका शुरुआत 1991-92 में हुआ था और इसके प्रथम पुरस्कार विजेता है विश्वनाथन आनंद, जो चेस यानी शतरंज खिलाड़ी हैं, और भारत का सबसे कम आयु में यह पुरस्कार प्राप्त है अभिनव बिंद्रा को। एंड दोस्तों जैसे कि इसे 25 लाख राशि दिया जाता है और 2022 में यह पुरस्कार मात्र एक व्यक्ति को दिया गया है, अचंत शरत कमल को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है अरेखित पेशी। नेक्स्ट है बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो इसके लिए चुनौती यानी चैलेंज टूर्नामेंट होता है, जिसमें आपका लेडर टाइप और पिरामिड टाइप दो प्रकार की इसमें टूर्नामेंट होती है चैलेंज टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी गति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पेशी गति विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। किसका? गति का। नेक्स्ट सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? दोस्तों तो सेल्डन ने कौन सा बॉडी टाइप दिया था? पर्सनालिटी को उन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया था। कौन कौन से 3 टाइप में? तो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मोटा थुलथुला शरीर, मेसोमॉर्फिक जो पेशी प्रधान शरीर जो हर चीज में परफेक्ट होता है, एक्टोमॉर्फिक पतला दुबला शरीर जो अस्थि प्रधान होता है और अंतर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे आपका रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। रतौंधी में आपका रोड सेल प्रभावित होता है, जिससे आपको रात में नहीं दिखाई देता है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कौन सेल प्रभावित होता है। कौन सेल क्या होता है? जो रंगों को दिखने में मदद करता है वो प्रभावित होने से आपका कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। नेक्स्ट हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? दोस्तों इजिप्ट वजन इसका होता है 26 औंस, क्योंकि यहाँ पे इसका डिटेल में आपका दिया हुआ है कि हॉकी स्टिक का वजन FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल
हॉकी नियम के अनुसार 737 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक औंस में 28.35 ग्राम होते हैं, तो 773 ग्राम में लगभग 26 औंस होते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों? तो माइटोकांड्रिया को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचता है, तो ऑक्सी श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन यहाँ पे ही पूर्ण होता है, जहां पे पोषक तत्व जो है ग्लूकोज जो है ऊर्जा में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के द्वारा। नेक्स्ट, एड्स का अर्थ है, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट दोस्तों, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा प्रतियोगिता जो है हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी KKFI की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुआ था। नेक्स्ट, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कोशिका कहते हैं, सेल। नेक्स्ट है, YMCA क्लब बालक स्काउट बालिका गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये सभी आपके स्वयं सेवी संस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो 639 पेशियां पाई जाती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 600 से अधिक। नेक्स्ट है, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले, जैसे कि इसमें होते हैं शासकीय अभिकरण जैसे कि NCC, NSS, दूसरा है स्वयंसेवी यानी कि YMCA, YWCA, दूसरा है निजी यानी जिसमें नृत्य क्लब ऑर्केस्ट्रा वाद विवाद आदि आते हैं, चौथा है व्यापारिक जिसमें टीवी प्रदर्शन प्रदर्शनियां आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है दोस्तों? यह कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है? तो यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट ही ऐसा है जिसको हम 360 अंश में घुमाया जा सकता है, और सभी मूवमेंट जो है इसमें संभव है, चाहे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, इलिवेशन, एब्डक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सभी प्रकार के सर्कमडक्शन मूवमेंट यहाँ पे आपका शोल्डर में हो सकता है। नेक्स्ट, स्वाद इंद्रियों यानी टेस्ट बर्ड्स का मुख्य अंग क्या है? तो है आपका जीभ। नेक्स्ट है, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार पूछा है, तो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौड़ों की क्रियाविधि कौन सी है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्ड से हम सुनते भी हैं, और कॉर्ड में एक इंडोलिम्फ नाम का द्रव आ जाता है जो संतुलन बनाए रखने में, शरीर का संतुलन बनाने में काम आता है। तो यहाँ पे कौड़ों की 2 क्रिया है, एक सुनना, एक शरीर का संतुलन बनाना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका 2 कार्य है, सुनना और संतुलन बनाना दोनों। तो यहाँ ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? आप सबको पता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था 125 क्वेश्चंस आज के सेशन में। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन डेली बेसिस पे हल करने के लिए, इसी प्रकार के सभी टॉपिक फिजिकल एजुकेशन के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।